आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पाकिस्तान के रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस में अब न नियत बची है, न नीति बची है और न ही कोई नेता बचा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का न्याय पत्र देखकर लगता है कि यह मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है, यह गांधी या खड़गे की कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है। उधर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर सोमवार को प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। वे आज मंगलवार को भी हिरासत में ही है। टीएमसी के सभी 10 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमिश्नर से मिलने पहुंचा था। इसके बाद सभी धरने पर बैठ गए थे। धरना देने वालों में टीएमसी के 5 सांसद डेरेक ओब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले और सागरिका घोष शामिल थे। टीएमसी नेता डोला सेन ने मंगलवार सुबह कहा, आईटीईडी और सीबीआई को बीजेपी का ब्रांच ऑफिस माना जाता है, आचार संहिता लग गई है, एनआईए सीबीआई ईडी और आईटी विपक्ष को परेशान कर रहे हैं ताकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव न लड़ सके। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।